तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली गुड न्यूज है गाइस। मैं अभी लॉस सैंटोस के मार्केट में बस ऐसे ही घूम रहा था और तभी भाई काफी सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना कि लॉस सैंटोस में एक ऐसी जगह है जहां से काफी सारा गोल्ड निकल रहा है भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई शिनचैन पिनचैन चॉप सबको ये वाली बात बताने और सबको लेकर जाएंगे भाई, खूब सारा गोल्ड निकाल कर लाएंगे उस जगह से भाई सब। लिटरली में ये जो बात है आग की तरह फैल रही है, आग की तरह। मैं बताता हूँ लॉस सैंटोस में वो कौन सी वाली जगह है। एक्चुअली में गाइस लॉस सैंटोस में तुम लोगों ने देखा होगा माउंट चिलियाड है, माउंट चिलियाड के बगल में नदी है, नदी के पीछे पहाड़ है और उसके पीछे विलेज है। तो उस विलेज और पहाड़ के बीच में जो जगह पड़ती है भाई, वहां पर ये वाली अफवाह फैल रही है कि गोल्ड निकल रहा है वहां से। और मैं जा रहा हूँ भाई अभी चेक करने के लिए कि लिटरली में वहां पर गोल्ड निकल रहा है कि नहीं। भाई लग तो रहा है यार निकल रहा होगा, तभी तो इतनी ज्यादा तेजी से ये वाली बात फैल रही है। सुनो भाई शिनचैन पिनचैन और चॉप एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है। अरे क्या गुड न्यूज है यार, जरा जल्दी से बताओ। बता बे गुड न्यूज बोल के चुप बैठ गया तू। अब भाई देखो भाई गुड न्यूज ये है कि लॉस सैंटोस में एक ऐसी जगह है जहाँ से भाई बहुत सारा गोल्ड निकल रहा है। अरे यार गोल्ड निकल रहा है मतलब? कलवे निकल रहा है मतलब ऐसे बाहर पानी की तरह, ऐसे झरने की तरह निकल रहा है क्या जमीन से? अबे निकल रहा है से मेरा मतलब है कि उस जगह को ऐसे खोदने पे वहां से गोल्ड मिलता है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अबे ऐसा ही हो रहा है भाई। तुम्हें ऐसा किसने कहा? ऐसा मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैंने काफी सारे लोगों को बात करते हुए सुना। मैं अभी लॉस सैंटोस की मार्केट गया था, वहां पर भाई बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें ये गोल्ड मिला, किसी को इतना गोल्ड मिला। अरे यार सब झूठ है यार, ऐसी सब अफवाह उड़ रही है। भाई साहब कलवे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तू क्या पागल बन रहा उनकी बातों में आके। अबे नहीं भाई सारे बंदे सच बोल रहे थे। तुम लोगों को चलना है कि नहीं मेरे संग बताओ, वरना मैं अकेले भी जा सकता हूँ। अरे तो अकेले ही जाओ यार, क्योंकि हमें तो तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यार ये लोग तो मान ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अरे हाँ यार माने क्यों, फालतू की बात है, ये भी कोई सच थोड़ी ना हो सकता है यार। जमीन से गोल्ड थोड़ी ना निकल सकता है, वो भी ऐसी भी किसी भी जगह पर। ठीक है जब मैं बहुत सारा गोल्ड निकाल लूंगा तब तुम लोगों को बताऊंगा मैं। जब बहुत सारा गोल्ड निकलेगा ना भाई, उसमें से एक 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 पार्टिकल गोल्ड का नहीं देने वाला मैं इन लोगों को, देख लेना। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अभी लेकर आता हूँ बहुत सारा गोल्ड। लेट्स गो गाइस, फटाफट से निकलते हैं अभी हम लोग उस लॉस सैंटोस के विलेज और माउंट चिलियाड के पीछे वाले पहाड़ की तरफ। उधर आई नो डेफिनेटली मुझे गोल्ड मिल जाएगा अगर मैं वहां पर पहुंच पाया तो। भाई ये बाइक कितनी ज्यादा खटारा हो गई है यार, एक दूसरी बाइक खरीदनी चाहिए। खैर मैं ये वाली बाइक को इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि यार ये जो पीछे तुम लोग देख सकते हो साइड में बैग्स लटके पड़े हैं रेड रेड कलर के, इन वाले बैग्स के अंदर इजीली मैं गोल्ड को रख के लेकर आ सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर गोल्ड है, इसलिए मैं ये वाली बाइक लेकर जा रहा हूँ। लेट्स गो जल्दी। गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहे हैं ये लोग? अब क्या हो गया भाई, कितने स्लो बंदे आजकल गाड़ियां चला रहे हैं, देखो कितनी ज्यादा स्लो चला रहे हैं गाड़ी। ओ भाई एक सेकंड, उस बंदे की गाड़ी गोल्ड की है क्या? मैंने अभी यहाँ पर एक जीप, ओ वेट, ओ तेरी भाई साहब गोल्ड की जीप। यार कितने रिच बंदे हैं यार लॉस सैंटोस में। ओ भाई साहब इसी की जीप लूट लू क्या यार? अब यार लेके निकल गया जीप, लूट लू क्या यार इसकी जीप, मन कर रहा है मेरा तो। इसने गिर जीप रोक क्यों दी, क्या करना चाह रहा है भाई तू? लूट लू क्या यार गोल्ड, छोड़ो भाई जमीन से निकालना। खैर छोड़ो यार इतने से गोल्ड में मैं क्या ही पीछे पड़ा हुआ हूँ, जल्दी से चलते हैं उस जगह पर और गोल्ड निकालते हैं जमीन से बहुत सारा। यार काफी ज्यादा लेट हो गया मैं इधर पहुंचने में, अभी तो पहुंचा भी नहीं हूं मैं और रात होने वाली है, रात को कैसे ही खुदाई करूंगा यार जमीन के अंदर मैं। कोई बात नहीं चलते हैं अभी फटाफट से। ओके अबे पानी आगे, अरे पानी के साइड में आराम से। ओके उस साइड चलते हैं फटाफट जल्दी से। मिलिट्री बेस के बगल वाले रास्ते पर हूँ मैं इस वक्त और इधर की साइड लेफ्ट साइड में देख सकते हो भाई ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है और मुझे अभी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए गाइस आगे की तरफ जाना है। बट ये रास्ता कितना ज्यादा डरावना लग रहा है यार, रात के टाइम इधर भूत वूत ना मिल जाए मेरे को, दिक्कत हो जाएगी। बाकी पीछे हिरन वगैरह है, काफी सारे एनिमल्स है इधर। चांद क्या ही खूबसूरत सा लग रहा है। ओ भाई लिटरली में आज का चांद देखो, फुल मून है क्या आज शायद? ओके इधर से मुझे लेफ्ट लेना है, मैं पहुंचने वाला हूँ यार बस थोड़ी ही देर में। लेट्स गो, बहुत सारा गोल्ड मिल जाए भाई मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। भाई लिटरली में अगर बहुत सारा गोल्ड मिल गया ना, सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही बड़ा सा घर खरीदूंगा और उसके बाद गाइस आई थिंक उसके बाद मैं एक गोल्ड की गाड़ी बनवाऊंगा। फिलहाल ये सब बाद में करेंगे, पहले तो गोल्ड ढूंढे। हाँ तो ये वाली जगह गाइस
जहाँ पर गोल्ड मिलने के चांसेस है। आगे की साइड तुम लोग देख सकते हो भाई। अबे क्या यार, रात को भी चैन से बाइक नहीं चलाने देते, तेरी ऐसी की तैसी। गोल्ड तो मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले निकल निकल निकल। एक भी गोली नहीं लगी इन लोगों को। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि यही वो वाली जगह है जहाँ पर गोल्ड मिलने के चांसेस हैं। यही देखो भाई, ये सामने की तरफ माउंट चिलियार्ड है और इधर राइट साइड में लॉस सैंटोस का विलेज है, तो जस्ट इस इधर की साइड ही हमें गोल्ड मिलेगा। तो ढूंढते हैं फिर, देर किस बात की, खुदाई उदाई करते हैं इन पहाड़ों पर, ढूंढते हैं गोल्ड, देखते हैं गोल्ड मिलता है या फिर नहीं। उम्मीद तो है भाई, काफी सारे लोगों से मैंने बात सुनी थी, मतलब लगभग तुम लोग मान के चलो भाई 10-12 लोगों से मैंने सुना कि यहाँ पर गोल्ड है। बट यार अगर ये बात सच होती तो सिर्फ मैं अकेला ही थोड़ी ना होता यार, और लोग भी आए होते इधर गोल्ड खोदने के लिए। मे भी रात हो गई है इसलिए नहीं आए कोई। बट यार रात से क्या मतलब है, अगर गोल्ड मिलेगा तो कोई रात या फिर दिन थोड़ी ना देखेगा, किसी भी टाइम पर किसी भी मौसम में कभी भी आदमी दौड़ पड़ेगा। बट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं यार ये सब सच है कि झूठ है। खैर जो भी हो, काम करता हूँ, इधर जरा अपनी बाइक को रोकता हूँ और इधर कहीं खुदाई करना शुरू करते हैं। काम करते हैं, इधर ही खोदते हैं यार, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ओके इस वाली जगह को मैं खोद रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। एक आध गोल्ड का बार मिल जाए मजा आ जाएगा। इस वाली जगह को भाई मैंने पूरा का पूरा खोद डाला और देख सकते हो भाई क्या निकला है इसके अंदर से। कागज निकला है भाई, कागज पिन्निया, बस यही निकला है इसके अंदर से। मैं कहां उम्मीद लगाकर बैठा था कि मुझे गोल्ड मिलेगा गोल्ड मिलेगा, बट इसके अंदर से सिर्फ कचरा मिल रहा है। काम करते हैं जरा किसी दूसरी जगह पर खोदते हैं। कौन सी जगह, एक सेकेंड, हाँ ये वाली जगह थोड़ी सी फ्लैट लग रही है, यहाँ पर जरा खोदते हैं गाइस, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पर भी मैंने खुदाई एकदम मस्त तरीके से शुरू कर दिया है, पता नहीं यार कितनी देर में क्या ही मिलने वाला है। पिछली बार तो सिर्फ कचरा ही कचरा मिला वहाँ पर, इधर उम्मीद है कि कुछ बढ़िया सा मिल जाए। मैंने इतनी सारी जमीन खोद डाली है भाई, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी, बट गोल्ड का तो नामो निशान नहीं मिला। बट यहाँ पर एक चमकता हुआ प्लांट जरूर मिल गया है। अब आई डोंट नो ये कैसा प्लांट है, बट चमक रहा है, देख रहे हो तुम लोग कैसे इसके अंदर से चिंगारी विंगारी से निकल रही है। आई थिंक गाइस कोई स्पेशल टाइप का प्लांट हो सकता है ये। काम करता हूँ, गोल्ड अभी छोड़ता हूँ, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, चांद देखो कहाँ पहुँच गया, वैसे भी नींद आ रही है मुझे। मैं गोल्ड फिर कभी ढूंढने आऊंगा, या फिर मुझे तो लगता है यार इधर गोल्ड ही नहीं है, पोपट हो गया है मेरा। खैर जो भी हो, गोल्ड तो मिला नहीं, एक मैजिकल प्लांट जरूर मिला है। और मुझे क्या लग रहा है, शायद ये प्लांट सच में कुछ ज्यादा ही मैजिकल हो, क्या पता इसे अगर बेचने जाऊँ तो ये ज्यादा महंगा बिक जाए। इसलिए गाइस मैं इस प्लांट को अपने संग घर ले जा रहा हूँ और मस्त सोने जा रहा हूँ। भाई नींद आ रही है बहुत ज्यादा तेज अभी मुझे। अबे भाई अटक गई यार मेरी, फटाफट से इस प्लांट को रखते हैं अपनी बाइक पर। तो मैंने इस वाले प्लांट को रख लिया और देख तो भाई चिंगारियां कितनी सारी निकल रही है इस प्लांट के अंदर से। कुछ तो मैजिकल है यार इस प्लांट के अंदर, अब आई डोंट नो क्या है मैजिकल चीज, बट कुछ ना कुछ तो मैजिकल है। अब ये तो घर जाकर ही पता चलेगा। एक काम करेंगे, इस प्लांट को बेच देंगे भाई लेस्टर को, लेस्टर आई थिंक डेफिनेटली खरीद लेगा ऐसे कुछ मैजिकल प्लांट को, और फिर उसके बाद ही वो इसका कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो निकल रहा हूँ भाई इसको लेकर घर पे। गोल्ड तो मिला नहीं भाई, शिंजन मिंजन सही कह रहे थे यार, ये पक्का कोई अफवाह थी। बताओ दो दो जगह मैंने खुदाई की, एक जगह तो कचरा निकला है और एक जगह ये प्लांट निकला है। और जब मैंने लोगों के मुंह से बात सुनी थी ना भाई कि गोल्ड निकल रहा है वहां पर, तो वो लोग बात कर रहे थे कि इस पूरे पहाड़ पर कहीं भी डिग करो भाई, कहीं भी वहां से गोल्ड निकलेगा। मैंने तो दो दो जगह खुदाई की, कहीं से भी गोल्ड नहीं निकला, सब पागल बना रहे थे भाई मेरा। कोई बात नहीं, एक मैजिकल प्लांट तो मिला जिसकी कीमत अभी मुझे नहीं पता है। अभी तो घर निकलते हैं, पहले वापस घर की तरफ आ चुका हूँ मैं, और रास्ते भर ये प्लांट जो है भाई पूरी तरीके से चमकता ही रह गया और अभी तक चमक ही रहा है। तुम लोग देख सकते हो भाई आंखों में दिक्कत कर रहे थे मेरे। ओके इसको जल्दी से लेकर निकालते हैं नीचे, या फिर सबसे पहले शिंजन बिंजन को दिखाता हूँ मैं जरा इस प्लांट को। ओए शिंजन बिंजन, ओए चौप भाई सुनो तो सही, सो गए क्या ये लोग? हेलो भाई, अबे चौप के बच्चे सो गया तू? अबे यार ये नीचे ही सो गया, इसका मस्त ऊपर गद्दा लगा हुआ है फिर भी यहीं पर सो गया। और ये शिंजन बिंजन भी लगता है गाइस सो ही गए। छोड़ो कल सुबह दिखाऊंगा उन लोगों को प्लांट, इस प्लांट को ले जाकर मैं अपने घर में रख देता हूँ। लेट्स गो, क्या हो सकता है इस प्लांट के अंदर स्पेशल? क्या हो सकता है, इसकी पत्तियों में कुछ स्पेशल है क्या? जरा एक बार इसकी पत्तियां तोड़ के देखो क्या। लेट्स गो गाइस, पत्ती इसकी जरा तोड़ के देखते हैं क्या सीन होता है। अबे प्लांट की पत्तियां तोड़ने गया, प्लांट ही गायब हो गया यार ये तो है। हेलो प्लांट, प्लांट गायब हो गया भाई, कहाँ गया ये? कैसा पौधा था यार, बड़ी मुश्किल से तो गोल्ड की बजाय कोई प्लांट मिला था।
अब वो प्लांट भी चला गया। यार मेरी आज की सारी मेहनत ही बर्बाद गई भाई, आज पूरा दिन बर्बाद हो गया मेरा। छोड़ो मैं चला भाई सोने के लिए। मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं कम से कम चैन की नींद तो ले फटाफट, लेट्स गो। अबे किधर सो रहा हूँ मैं, एक सेकंड यार, आज तो बेड पे भी नहीं चढ़ पा रहा मैं अपने। अबे क्या ड्रामा हो गया यार, बेड पे नहीं चढ़ पा रहा मैं। फाइनली आ ही गया बेड पे, मिलते हैं गाइस कल सुबह, गुड नाइट। फाइनली सुबह हो ही गई। कितना ज्यादा खतरनाक सपना था, नहीं सपना नहीं था भाई, वो सच था भाई। गोल्ड लेने के लिए गया मैं, प्लांट मिला मेरे को, फालतू का प्लांट जो कि गायब भी हो गया कल रात को। डेफिनेटली गाइस वो सच ही था भाई, कोई सपना नहीं था। शिनचैन बिनचैन भाई मेरा बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाने वाले हैं, रेडी रहो भाई, क्योंकि वो कब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे मेरा। आई नो भाई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है, कोई बात नहीं, सामना करेंगे हम लोग। यार क्या मस्त प्लांट था भाई, कुछ ऐसा ही तो प्लांट था। नहीं नहीं वो थोड़ा अजीब सा, उसकी पत्तियाँ अजीबोगरीब थी काफ़ी ज़्यादा। ये भी मस्त एकदम प्लांट है अपने घर का, बढ़िया प्लांट है भाई ये वाला भी। ओ वेट, ये भी गायब हो गया। प्लांट तो गायब हुआ बट उसकी वजह ये इतना बड़ा प्लांट कहाँ से आ गया यार। फिट वॉट, मैंने सिर्फ इस प्लांट को टच किया, एक मुक्का क्या मारा, उसमें वो छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ तो खैर नहीं बना है बट छोटा सा पौधा इतना बड़ा पौधा हो गया, कैसे सच में हो गया कैसा। एक सेकंड, किसी दूसरे पौधे को टच करता हूँ, रुको जरा इसको टच करते हैं, लेट्स गो। वेट, अबे ये भी छोटा सा पौधा इतना ज्यादा बड़ा पौधा हो गया। अरे मेरे टच करने की वजह से हो रहा है या फिर से मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एक सेकंड, नहीं भाई सपना नहीं है, मैंने अपना सर फोड़ के देख लिया, सच है भाई ये सब कुछ। कैसे हो रहा है यार, ये छोटा सा पौधा टच कर रहा हूँ, वो छोटा सा पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर ये वाला जो प्लांट है जरा इसको टच करता हूँ मैं, इसको लेट्स गो। अबे लिटरली मैं भाई सिर्फ इसको टच किया और ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया ये वाला पौधा भी। ये सच में मेरे अंदर कोई पावर वावर आ गई है क्या, ये चीज सिर्फ पौधों पे ही काम करी है फिर सारी चीजों पे। वेट, लेट मी ट्राई। पिंचन भाई क्या कर रहा है। अरे कुछ नहीं यार, सुबह सुबह आरसी कार से खेल रहा हूँ अपने। जरा मुझे नहीं दिखाएगा आरसी कार। लो यार देख लो, मैंने कहा मना किया है। लेट्स गो गाइस, इसकी आरसी कार को टच करता हूँ, देखते हैं इसको टच करने से क्या होता है। क्यों यार, टच करने से कुछ हो रहा है क्या। तू रुक जा भाई एक सेकंड, लेट्स गो। ये कैसे हो गया। अरे यार मेरी आरसी कार का तुमने क्या कर दिया। अबे यार सच में भाई मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर वावर आ गई है। देख रहे तुम लोग, इसकी आरसी कार को मैंने सिर्फ और सिर्फ टच किया और वो आरसी कार बड़ी हो गई। व्हाट, अरे मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रहा ना भाई, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में ये सब। कल गोल्ड लेने गया, गोल्ड तो मिला नहीं, मैजिकल प्लांट मिला, मैजिकल प्लांट की पत्ती तोड़ने गया, वो मैजिकल प्लांट गायब हो गया, और आज मेरे संग ये सब हो रहा है, क्या करूं मैं। चॉप कहाँ है, चॉप भाई ऊपर है क्या। ओए शिनचैन कहाँ है तू। ओ वो रहा चॉप, जरा इसके पास चलते हैं, बर्गर है इसके पास। चॉप भाई तेरा बर्गर टच कर लूं। बा हाथ मत लगाइयो मेरे बर्गर को, शायद तेरा बर्गर मैं बड़ा कर दूंगा टच करके। क्या बकवास कर रहा है तू, एक बार उठाने थे बर्गर, ले उठा ले भाई। लेट्स गो गाइस, इसके बर्गर को मैंने उठा लिया है और टच हो गया, मतलब देखते हैं क्या होता है। वेट व्हाट, क्या हो रहा है ये, क्या हो गया भाई ये। सच में तूने बर्गर इतना बड़ा कर दिया, सच में भाई मेरे अंदर ये वाली पावर आ चुकी है। तुम लोग यकीन करो या फिर ना करो गाइज, ये पावर लिटरली में भाई मेरे अंदर आ चुकी है। मैं जिस भी चीज को टच कर रहा हूँ वो चीज बड़ी हो जाती है। मैंने वहां पर सबसे पहले एक प्लांट को टच किया, वो प्लांट बड़ा हो गया, उसके बाद दूसरे प्लांट को टच किया, वो प्लांट भी बड़ा हो गया, उसके बाद ये एक तीसरे प्लांट को टच किया, ये प्लांट भी बड़ा हो गया, फिर मैंने पिंचन की आरसी कार को टच किया, वो देखो वो मॉन्स्टर ट्रक बन गई। चॉप के छोटे से बर्गर को बताओ, ये तो फूड आइटम था, ये तो खाने का सामान था, इसको भी टच किया तो भी इतना बड़ा हो गया। ओ शिनचैन वहां पर है, चलो गाइस वहां पर भी जरा ये पावर ट्राई करते हैं। सच में यार मेरे पास ये पावर आ चुकी है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी पावर है यार। वैसे गाइस तुम लोगों को ये पावर कैसी लगी भाई, जाकर कमेंट में बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो गाइस। यस गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। बाकी भाई शिनचैन यहाँ क्या कर रहा है तू। अरे ये कोल्ड ड्रिंक की कैन लेकर आया था, खुली नहीं रही। कैन मैं खोलने का ट्राई करूँ क्या। अरे हाँ यार जरा खोल देना ये कोल्ड ड्रिंक की कैन। अच्छा देखो गाइस यहाँ पर इसकी कोल्ड ड्रिंक की कैन है, कौन सी लेकर आया तू। अरे स्प्राइट वाली यार। हाँ स्प्रंक नाम है उसका। अरे जो भी है खुली नहीं रही है यार। अभी खोलता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है। वेट शिनचैन भाई तू दब तो नहीं गया इसके नीचे। अरे मेरी कोल्ड ड्रिंक की कैन का क्या कर दिया यार। सॉरी आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी।
बट इसकी कोल्ड ड्रिंक की कैन मैंने जैसे ही टच करी भाई वो इतनी ज्यादा ह्यूज हो गई। ओ मतलब ये सच में, ये पावर सच में काम कर रही है, बट मैं फिर भी यार यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस पावर पे। लिटरली मैं यार मुझे लग रहा है कि सपना चल रहा है ये पक्का। ये सपना तो नहीं चल रहा ना भाई। अरे यार कैसे कैसे ये सब हो रहा है। पौधा टच करो पौधा बड़ा हो जाता है, RC कार्ड टच करो वो मॉन्स्टर ट्रक बन गया, चॉप का बर्गर बड़ा हो गया, इसकी कोल्ड ड्रिंक बड़ी हो गई, कैसे? तो इस पावर पे मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, तुम लोग जरा जाकर कमेंट में बताओ यार। I think खुश या दुखी पता नहीं चल रहा मेरे को, क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पी लो मेरे संग आके, तुम भी पी लो। कौन है ये, यहाँ पर क्या कर रहा है ये? हेलो भाई कौन है तू? अरे थोड़े पैसे दो ना यार, ये बोतल खत्म होने वाली है, नई बोतल खरीदूंगा। अबे भाई कम पी, टपक लेगा तू। अरे यार अभी नहीं टपकूंगा मैं। पे यार एक नंबर का बेवड़ा, ये हमारे घर पे के आजू बाजू ये बेवड़े कहाँ से आ गए? पे निकल ले यहाँ से, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे पैसे देना बे, मुंह क्या तोड़ेगा, पैसे दे, एक और बोतल खरीदनी है मुझे। बोतल चाहिए तेरे को, पहले ये वाली बोतल दे। क्यों तू भी पिएगा? दे तो सही जरा। ये ले भाई, पीता रहा इससे। अरे ये क्या है? अरे शराब की बोतल तेरी जो तूने अभी मुझे कुछ देर पहले दी थी। क्या? हाँ भाई ये वही बोतल है, देख सकते हो गाइस, कंपनी सब वही है, देख सकते हो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई बोतल। अरे यार इससे तो मेरा पूरा मोहल्ला पी लेगा। तो पिला दे भाई पूरे मोहल्ले को, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अखा अलग ही। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। इससे भी बड़ी कर सकता है इसे? तेरी ऐसी की तैसी, इससे भी बड़ी चाहिए, ले इससे बड़ा ये ले रहे तू। दिमाग खराब कर रखा है भाई इसने। अरे मेरा एक अलग ही दिमाग खराब हो गया है यार, मैं क्या करूं बताओ यार। लिटरली मैंने वो शराब की बोतल टच करी और वो देखो, जरा तुम लोग देखो तो सही है कितनी बड़ी बोतल बन गई भाई। उस भेड़े को मैंने गोली भी मार दी। क्या करूं मैं, शिनचैन का भाई कैन टच किया, कैन बड़ा हो गया, उस चॉप का बर्गर टच किया, बर्गर कितना ज्यादा बड़ा हो गया, और उस पिनचैन का भाई मैंने RC कार टच किया, वो RC कार बड़ी कार बन गई। यहाँ पर देखो पुलिस वालों की गाड़ी पलट गई है, अब क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो जाकर कमेंट में बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। भाई मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं रह गया है, मेरा तो और सर में दर्द हो रहा है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं कुछ खाने जाऊँगा वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, मैं तो कुछ भी करूँगा यार वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, जरा इसको टच करता हूँ मैं, देखना ये कितना बड़ा बन जाएगा। लेट्स गो टच। पत्थर को मैंने सिर्फ और सिर्फ टच किया और उतनी सी चीज़ से ये पत्थर इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका है भाई। लिटरली मैं यार इतना बड़ा कोई पत्थर होता भी है? और रियल पत्थर है, बिल्कुल नकली वकली कुछ नहीं है ये, तुम लोग देख सकते हो भाई। यार कैसे हो रहा है ये सब? एक सेकेंड, ये सब कहीं उस मैजिकल प्लांट की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? पे हाँ यार वही तो, एक मैजिकल चीज देखी थी मैंने, मुझे तो लग रहा है गाइस हो ना हो ये पक्का उस मैजिकल प्लांट की वजह से हो रहा है। शायद उस मैजिकल प्लांट की मैं पत्ती टच करने गया और कुछ तो मैजिक हुआ जिसकी वजह से मेरे पास ये पावर आ गई कि मैं जिस भी चीज को टच करूंगा वो चीज बड़ी हो जाएगी, लिटरली में बड़ी हो जाएगी भाई। पे ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर आ गई यार मेरे पास। इस पावर का मुझे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेट, अगर मैं छोटे से गोल्ड बार को टच करूँगा तो क्या वो बड़ा गोल्ड बार बन जाएगा? आई डोंट नो। यहाँ पर वैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को भी बड़ा कर सकता हूँ मैं। ज़रा बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर, देखते हैं क्या होता है गाइज। ओके इस वाली गाड़ी को मैंने टच किया और ये देखो भाई, ये वाली गाड़ी कितनी ज़्यादा ऊंची हो गई, कितने ज़्यादा बड़े बड़े पहिए हो गए इसके। तो कुछ भी हो रहा है आज तो मेरे संग। एक बार ज़रा किसी चीज़ को और टच करके देखूँ क्या, मैं सच में सोच रहा हूँ यार अगर गोल्ड और जो अपने मतलब वो होते हैं भाई डायमंड वगैरह, उनको मैं टच करूँगा तो वो सच में ही बड़े हो जाएंगे। मेरे पास नोट होगा कोई, एक सेकंड। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पैसों की गड्डी रखी हुई है मैंने सामने, अब ज़रा इन्हें टच करता हूँ मैं, लेट्स गो। और यस ये पैसे भाई बढ़ गए, बड़े होने की बजाय मैंने क्या सोचा था कि जैसे मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ तो वो चीज़ बड़ी हो जा रही है, ठीक है, तो मुझे लगा कि नोट इतना सा है, नोट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट नहीं गाइज नोट मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। तो यार ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब अगर गोल्ड को टच करूँगा मैं तो गोल्ड बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, क्या फ़ायदे क्या प्रॉब्लम्स है ये शायद तुम लोग समझ गए होगे गाइज। वैसे तुम लोग बताओ यार कमेंट में, इस पावर के फ़ायदे ज़्यादा हैं या फिर नुकसान, कमेंट में जाकर बताओ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।